ड्रग्स, ठीक है बेटा, और यू कैन से दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट परमिसिबल और आर प्रोहिबिटेड टू टेक इन बाय एनी एथलीट और बाय एनी पर्सन, ठीक है ना बेटा। वो चीजें, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है, नो डाउट ये जो है इनमें से कई चीजें हमें बहुत बेनिफिशियल होती हैं, बट इन ए क्वांटिटी, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी एज एज अ मेडिसिन, ठीक है, अदरवाइज नहीं होती हैं। तो डोपिंग की हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, इट इज द यूज ऑफ अ केमिकल सब्सटेंसेस और अ फॉरेन बॉडी, फॉरेन ऑफ द बॉडी टू, ठीक है ना। फॉरेन क्या होता है बेटे, ऐसी चीजें जो भी चीज हम कहते हैं ना एक लिमिट के बाद की जो चीजें होती हैं बाहर से अंदर या एक जगह से दूसरी जगह, उसे फॉरेन कहा जाता है, नॉट फ्रॉम द सेम प्लेस। इन द सेम वे जब हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडीज एंटर करती हैं तो वो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट्स जरूर छोड़ती हैं, ठीक है बेटा। उनके कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में इम्पैक्ट्स, वेदर इट इज अ गुड और अ बैड इफेक्ट्स जो हैं वो आते ही आते हैं। अब है कि टाइप्स ऑफ डोपिंग, डोपिंग कितने प्रकार की होती है, डोपिंग दो प्रकार की होती है बेटा। टाइप्स ऑफ डोपिंग कोई बताएगा कि ये कौन कौन सी होते हैं, दो कौन कौन से प्रकार के? ब्लड डोपिंग, हाँ जी बच्चे, ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग। हाँ टाइप्स में बेटे अब वही बताने लगी हूँ। एक होते हैं फिजिकल मेथड डोपिंग का, गुड काव्या बोले हो बेटा। एक होती है परफॉर्मेंस रिलेटेड फिजिकल, ये है फिजिकल परफॉर्मेंस, ठीक है बेटा, दो टाइप से होती है, ठीक है। एक है रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस, ये अब कौन आ गया बच्चा, ठीक है, एक है परफॉर्मेंस को एनहांस करने में या परफॉर्मेंस रिलेटेड है, ठीक है ना बेटा। सब्सटेंस और दूसरा है फिजिकल, ठीक है बेटा। अब फिजिकल के अंदर दो आते हैं, पहले है फिजिकल मेथड के अंदर टू है, एक ब्लड डोपिंग है और दूसरा है जीन डोपिंग। ठीक है बेटा, दो तरीके से होते हैं, ब्लड डोपिंग या जीन डोपिंग होती है। अब परफॉर्मेंस के अंडर क्या क्या आती है, जैसे कल हमने डिस्कस किया था अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस जो हैं, जैसे स्टिमुलेंट्स है, स्टीरॉइड्स है, बीटा डो है, एग्नोस्टिक है, ये सारी चीजें इनटेक जब हम करते हैं तो हमारी जो परफॉर्मेंस है उसमें चेंज आ जाती है, हमारी परफॉर्मेंस जो है उसमें क्या हो जाता है बेटा, चेंज आती है। दिख रहा है बेटे ब्लैक बोर्ड, दिख रहा है क्लियर, ठीक है। अब इसके अंडर क्या होता है हमारी, जैसे स्टीरॉइड्स हैं, मैंने आपको बताया था एनाबॉलिक्स हैं, या फिर अलग अलग तरीके के बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये सारी चीजें हमारी परफॉर्मेंस को एनहांस करती हैं। वेयर एज ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग जो है ये क्या है, ब्लड के साथ छेड़छाड़ करनी या जीन्स के साथ छेड़छाड़ करना या उसे इरेगुलर या रेगुलर करना, ये चीजें जब आती हैं या मैनिपुलेट करना, इसे हम कह सकते हैं, छेड़छाड़ का मतलब यहाँ पर है कि मैनिपुलेट जब करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उसे हम कहते हैं ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग। ब्लड डोपिंग के अंदर क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड आरबीसीज जो है वो ज्यादा जो है वो बॉडी के अंदर डाल दिए जाते हैं, सेम अलाइक जो पर्संस होते हैं उनके ब्लड ग्रुप वगैरह चेक करके उसे इंसर्ट कर दिया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, वेट बेटा लेट मी एडमिट द चाइल्ड, उसके अंदर क्या होता है बेटा, उसके ट्रांसफ्यूजन से रेड ब्लड सेल्स जो है
उसके उसे ट्रांसफर ट्रांसफ्यूशन ब्लड ट्रांसफ्यूशन किया जाता है, जिससे क्या चीज होती है, हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो भी बॉडी में जो है वो मैक्सिमम जो है वो अमाउंट जो है वो हायर हो जाता है, या ऑक्सीजन का अमाउंट जो है क्वांटिटी या मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है बेटा, तो वो क्या होता है, एथलीट के मसल्स में फ्यूल का काम करता है और उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो उसके स्टेमिना को, उसकी परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से बढ़ा देता है या उसे बेटर कर देता है, जिसके कारण वो आम एथलीट से या आम पर्सन से ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, ठीक है ना बेटा। उसे हम डोपिंग के अंदर लाते हैं। अब दूसरा है जीन। जीन्स का तुम्हें पता है, क्रोमोसोम्स, या हम जैसे कहते हैं ना बॉडी के अंदर हमारे हेरिडिटरी जीन्स वगैरह होते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें भी चेंजेस लाई जाती हैं, ठीक है बेटा। ये नॉन थेरोपेटिक होता है फॉर्म, ठीक है, थेरेपी नहीं है इसके लिए कुछ भी, लेकिन चेंजेस जो है वो आम की जाती है जीन्स में, सेल्स में मॉड्यूलेशन करके, और जो है मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है वो ली जाती है एक एथलीट से, ठीक है ना बेटा। ये दो तरीके हैं ब्लड और जीन डोपिंग के द्वारा, और एक है परफॉर्मेंस रिलेटेड और एनहांस सब्सटेंस के द्वारा। दो तरीके से जो है डोपिंग होती है, दो टाइप की, एक परफॉर्मेंस रिलेटेड, एक फिजिकल मेथड में। फिजिकल मेथड में दो प्रकार होते हैं, एक ब्लड डोपिंग होती है और एक जीन डोपिंग होती है। अब ऐसा होता है बेटा, जब कोई कंपटीशन हो रहा हो, ड्यूरिंग द कंपटीशन, मे बी आफ्टर द कंपटीशन, ऑफ कंपटीशन भी, जब कहीं पर परफॉर्मेंस पे या किसी चीज पर शक हो जाए किसी एथलीट के, तो वहां पर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है या उनकी चेकिंग की जाती है, उनकी डोपिंग चेक होता है। खासकर से नेशनल और इंटरनेशनल जो गेम्स वगैरह होती हैं उनमें इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है, बिकॉज इट इज द कॉस्ट ऑफ देयर कंट्री, ठीक है। कोई अगर फर्स्ट आ रहा है, क्योंकि हमेशा फर्स्ट को याद रखा जाता है, सेकंड थर्ड का इतना नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट या गोल्ड मेडलिस्ट जो होता है उसे हमेशा इंसान याद रखता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, व्हेन देयर इज एन एक्टिविटी, एबनॉर्मल एक्टिविटी इज देयर थ्रू एनी एथलीट और अ प्लेयर इन अ टीम, तो उस चीज को ऑब्जर्व करके उस पर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं या उसकी डोपिंग टेस्ट के लिए कहा जा सकता है, ठीक है बेटा। इट इज रिलेटेड टू द एमेच्योर्स, इट इज रिलेटेड टू द प्लेयर्स, इट इज रिलेटेड टू द एथलीट, कि हमने इसका डोपिंग टेस्ट करवाना ही है, क्योंकि वी आर फीलिंग लाइक दैट कि ये इसकी जो एक्टिविटी है, क्योंकि बेटे जब हम कोई भी प्रकार के प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस या केमिकल सब्सटेंसेस लेते हैं, तो हमारी इनर जो है एक्टिविटी वो हाइपर एक्टिविटी हो जाती है या एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब जरूरी नहीं होता है कि वो नेगेटिव फॉर्म में हो, इसका मतलब होता है जो हम आम व्यक्ति जिस तरीके से परफॉर्म करता है उससे हटकर वो काम हो रहा हो, ठीक है ना बेटा। उससे हटकर वो काम जब होता है तो हमें नजर आ जाता है या वी फील, और इस पर ऑब्जेक्शन होकर उसका चेकअप करवाया जा सकता है। इंटरनेशनल और नेशनल गेम्स के लिए है, इंटरनेशनल गेम्स आपको पता है एशियड हैं, कॉमनवेल्थ है, ओलंपिक्स है, पैरालंपिक्स है। नेशनल गेम्स में जो कंट्रीज के साथ में रिलेटेड होते हैं वहां पर भी कई बार इस चीज का आम आता है। व्हाई? फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, आमतौर पर होता है कि इंटरनेशनल सिलेक्शन के लिए जब होता है तो वहां पर भी कई बार गड़बड़ करने के कारण नेशनल प्लेयर्स में, तो वहां पर चेक किया जाता है। अब डोपिंग का टेस्ट किस तरीके से होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था डोपिंग के टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है, सैंपल लिए जाते हैं इसके ए और बी, एक सैंपल हिडन होता है, एक सामने करवाया जाता है। अगर दोनों में ही पॉजिटिव आए तो दैट इज फॉर वो विक्टिम होता है, अगर नहीं है तो फिर चेंजेस आते हैं। अब ये किसके द्वारा होता है, कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये डोपिंग का है,
तो उसमें आता है यूरिन से, थ्रू स्टूल से, स्पिट और ये स्प्लिट करने से, थूक जिसको हम स्लाइवा के द्वारा बोलते हैं, हेयर के द्वारा, इन सब चीजों के द्वारा हम टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये परफॉर्मेंस जो थी या क्या हमारे इसमें, वेट लेट मी एंटर द चाइल्ड, वेयर इज, यस हमने वहां पर चेक करना होता है कि जो व्यक्ति है उसकी किस तरीके से हम ले सकते हैं। टेस्ट लेने के बाद हम ये चेक करते हैं कि वेदर ही हैज टेकन द नॉर्मल, इसने कोई ऐसी चीज ली है या नहीं ली है, उसके बारे में हमें आसानी से पता चल जाता है। अब है हमारा कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। कहाँ पे गया बच्चा? अब हमें ये चेक करना होता है कि कहाँ पर वो जो है उसकी हार्मफुल क्या क्या है हमें। अगर हम सब्सटेंस ऐसे लेते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, तो इनका क्या बेनिफिट है और क्या नहीं है। नो डाउट एज यू नो कि ये परफॉर्मेंस देने के लिए बेस्ट होते हैं या गुड होते हैं, तो इसका इनटेक किया जाता है या ये लिए जाते हैं, लेकिन इन द रॉन्ग रन इनके बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट हैं। सबसे पहले जो यूज इसको करते हैं एडिक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना, उनको आदत सी पड़ जाती है कि उसके बगैर वो रह नहीं सकते। दे आर इन अ फॉर्म एडिक्टिव होने के कारण इनको हमेशा, मोस्ट ऑफ द ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें होता है कि कुछ ना कुछ इसके इफेक्ट्स जो हैं वो फिजिकली या साइकोलॉजिकली इफेक्ट्स होते हैं, और उन्हें हमेशा इस चीज़ की ज़रूरत फील होती है। इवन हमने देखा है जो स्मोकिंग करते हैं या ड्रंकर्ड होते हैं, वो भी आफ्टर अ टाइम, एज आई हर्ड, आई एम नॉट श्योर और ना ही मुझे इसका, कि आफ्टर अ इंटरवल ऑफ टाइम दे नीड दैट। और एडिक्शन का मतलब है किसी चीज का आदि हो जाना, इवन फॉर द टी आल्सो। कई लोगों को होता है कि हम इतने बजे इतने टाइम के बाद हमें चाय चाहिए टू बूस्ट ऑफ, ठीक है ना, उसमें कैफीन होती है जिसके कारण उनको लगता है कि अब मेरी बॉडी को थोड़ा सा मोशन में लाने के लिए, एक्टिव करने के लिए मुझे चाय पी लेनी चाहिए या कॉफी पी लेनी चाहिए या कोई चीज ले लेनी चाहिए। दूसरा होता है अगर हम इस तरीके के केमिकल सब्सटेंसेस लेते हैं तो हमारे हार्ट पर बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। हमारा हार्ट जो है उसकी वर्किंग में हार्ट बीट पर, हाइपरटेंशन, कार्डियक अरेस्ट, ऐसी प्रॉब्लम्स हमें आमतौर पर आ जाती हैं। उसके बाद हमारी किडनी पर, हमारे लीवर पर, हमारे शरीर के वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी जो है उसकी वर्किंग में हिंड्रेंस आ जाती है, स्मूथ वर्किंग जो है वो हम नहीं कर पाते, और जिसके कारण हमारी रोज़मर्रा की जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो डेली रूटीन का वर्क है, उसको परफॉर्म करने में भी हमें डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है ना बेटा। ये चीजें मैंने जैसे आपको बताई है कि ऑन द स्पॉट लेने में इट्स वेरी बेनिफिशियल कि हाँ मेरी परफॉर्मेंस, लेकिन इन द रॉन्ग रन जो है ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद अनबैलेंस साइकोलॉजिकल बिहेवियर हो जाता है लोगों का, बैलेंस नहीं रहता है, अजीब से काम करने कई बार शुरू कर देते हैं या बातें जो है वो अजीब सी करनी शुरू कर देते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, इम्पोटेंस हो जाते हैं, ठीक है, स्पर्म्स वगैरह मेल के, या इनफर्टिलिटी इन फीमेल हो जाती है जिसके कारण दे कांट गिव अ बर्थ, ठीक है ना, ये जो नॉर्मली है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती है लोगों को, खाना जो है ऑब्वियसली जब हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो वर्किंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो हमें बाकी चीजों का भी क्या होगा, उससे नुकसान ही होगा। हमारे पूरी बॉडी के हर एक पार्ट पर इसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। धीरे धीरे जो है जो मसल्स हमने बनाए होते हैं वो भी धीरे धीरे उनकी पावर कम होती जाती है, लिगामेंट्स जो हैं वो जॉइंट्स को छोड़ते जाते हैं, और हमें कमजोरी आती जाती है या हमारी नॉर्मल चीजें परफॉर्म नहीं होती। इसलिए जो ऐसे वाले सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें कभी भी नहीं हमें लेना चाहिए। हमारे हार्ट पर, हमारे लीवर पर, हमारी किडनी पर, हमारे माइंड पर, ठीक है, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका रहता है। हमें नोजिया सा रहना, स्लीपी रहना,
सुस्त से रहते हैं, हमेशा इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण हम रोजमर्रा के काम जो है उसे नहीं कर पाते या उनको आसानी से हम नहीं कर सकते। इसलिए इन चीजों को लेना हमारे लिए वर्जित होना चाहिए। अब कुछ ऐसे हैं बेटे केमिकल सब्सटेंसेस जिनके बारे में तुम्हें पता होना या नॉर्मली क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। राइट ए नोट ऑन अ स्टिमुलेंट्स, अगर ये आ जाता है, या एनोबॉलिक या सिंपली स्टेरॉइड्स पे है, बीटा ब्लॉकर पे है। आपको पता है बीटा ब्लॉकर्स नॉर्मली एंजाइटी के लिए देते हैं, वैसे तो ऐसे मेडिसिन भी ये दी जाती है। मैंने आपको पहले ही बोला कि हर चीज जो है उसकी एक लिमिट होती है, मेडिसिन में उसकी जो चीजें हैं वो परफॉर्मेंस होती हैं ताकि वो इंसान को ठीक रखने के लिए हो। वहां पर एडिक्शन का क्वेश्चन नहीं होता है। जब हम डेली किसी चीज को इस तरीके से लेना शुरू कर देते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। अब स्टिमुलेंट्स हैं जैसे, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्पीड अप तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी बॉडी को, ब्रेन को स्पीड अप तो कर देते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है, हमारी बॉडी जो है उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। हमारे ऑन द स्पॉट तो ये होगा, अलर्टनेस हो जाती है, टाइर्डनेस कम हो जाती है, लेकिन बाद में इसके अपोजिट इम्पैक्ट्स जो है वो हमारे सामने आते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं। ऐसे जो स्टेरॉइड्स हैं, कल बात हुई थी कि स्टेरॉइड्स जो हैं वो बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं, एथलीट यूज करते हैं, ठीक है ना, मसल्स को बिल्ड करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ द मसल्स हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है ना, हमारी उस टाइम तो रिकवरी या टायर्डनेस या थकान को दूर करता है, लेकिन बाद में इसका क्या इम्पैक्ट होता है वो हमें पता है कि ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी को खराब करने में हेल्पफुल रहते हैं। इसलिए हमें ऐसी चीजों को नहीं लेना चाहिए या हमें इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए कि हमें ये चीजें जो है वो नहीं लेना है। ऐसे ही जो नार्कोटिक है, ठीक है ना बेटा, नार्कोटिक से क्या है, जब हम बीमार होते हैं, इंजर्ड होते हैं या कुछ है, तो हमारी जो रिकवरी है, इंजरी जो है वो जल्दी ठीक हो जाती है, फास्ट हो जाती है रिकवरी पीरियड, लेकिन इसका ये पेन किलर एक तरीके का होता है ना, हमारी दर्द को खींच लेता है या पता नहीं लगता, लेकिन बाद में हमारी बॉडी को ये नुकसान पहुंचाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसलिए हमें इन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमें